अगर आप 65 इंच का टीवी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि 65 इंच के टीवी 50,000 रुपए से स्टार्ट होकर 2.5 लाख रुपए तक आते हैं। लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जिनका बजट मीडियम रेंज के टीवीज लेने का है, और जो लोग 65 इंच का टीवी लेना चाहते हैं एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं हमारी लिस्ट के टीवी नंबर 5 की, जो कि है TCL कंपनी की तरफ से TCL 65P8। प्राइस की बात करें तो इस टीवी की प्राइस है 50,000 रुपीज, और इसमें हमें 4K रेजोल्यूशन देखने को मिलती है 3840x2160 पिक्सल्स के साथ। वहीं बात की जाए इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस की तो इसमें हमें HDMI की 2 पोर्ट्स एंड USB की 1 पोर्ट अवेलेबल है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। वहीं बात की जाए इसके साउंड आउटपुट की तो इसमें हमें 16 वैट्स के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। इसके स्मार्ट टीवी फीचर्स की बात करें तो TCL के टीवी में हमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon प्राइम जैसी सभी एड्स प्रीलोडेड देखने को मिलती हैं, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है एंड्रॉयड। इसमें ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों की ऑप्शन अवेलेबल मिलेगी स्क्रीन मिररिंग के साथ। वहीं इस टीवी के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस को लेकर बात करें तो वो काफी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन इस टीवी में कोई भी नॉइस फिल्टर का ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी एडिशनल मोड्स वीडियो या फिर ऑडियो के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, एंड कनेक्टिविटी के ऑप्शंस भी काफी कम दिए गए हैं। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के टीवी नंबर 4 की, जो की है कोडा कंपनी की तरफ से कोडा का 65 इंच अल्ट्रा HD 4K रेजोल्यूशन वाला टीवी। इसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोडा का टीवी है तो 4th नंबर पर, लेकिन इसकी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस टीवी के प्राइस रेंज को लेकर, तो ये टीवी हमें 50,000 रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। वहीं बात की जाए इसकी रेजोल्यूशन की तो इसकी रेजोल्यूशन है 3840x2160 पिक्सल्स की। इसमें भी हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और इसमें हमें वीडियो क्वालिटीज काफी अच्छी देखने को मिलती है, जैसा कि इस टीवी में हमें डॉल्बी विजन, HDR, MEMC, वाइड व्यूइंग एंगल एंड बेजल लेस डिजाइन देखने को मिलता है। सिर्फ यही नहीं, इसमें हमें 10 बिट डिस्प्ले HLG की भी सपोर्ट देखने को मिलती है। वहीं बात की जाए इसके साउंड आउटपुट की तो वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जैसा कि इसमें हमें 2 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जो कि है 30 वैट्स के, साथ ही में हमें डॉल्बी डिजिटल प्लस की ऑडियो सपोर्ट भी देखने को मिलती है DTS ट्रू साउंड सराउंड सिस्टम के साथ। वहीं बात की जाए इस टीवी के कुछ स्मार्ट टीवी फीचर्स को लेकर तो इसमें हमें गूगल प्ले स्टोर देखने को मिलता है एंड्रॉइड 9 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इसमें कनेक्टिविटी को लेकर भी काफी डिसेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसा कि इसमें हमें 3 HDMI और 2 USB की पोर्ट्स अवेलेबल हैं, वाईफाई एज वेल एज ब्लूटूथ इन दोनों की भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं इस टीवी के रैम एंड स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर, तो इस टीवी में हमें 1.7 GB की रैम देखने को मिलेगी 8 GB इंटरनल स्टोरेज मेमोरी के साथ। इसमें ग्राफिक प्रोसेसर माली GPU 450 भी दिया गया है। वहीं स्मार्ट टीवी एप्लीकेशंस जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, प्ले स्टोर, इन सभी चीजों की ऑप्शन हमें अवेलेबल मिलती है, लेकिन इस टीवी के 4th पोजीशन पर होने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है, जो कि है इस टीवी का पैनल। इस टीवी का पैनल उतना अच्छा नहीं है जैसा कि एक 65 इंच के टीवी में होना चाहिए। एंड जस्ट टू लेट यू नो गाइस, जब भी हम 4K रेजोल्यूशन वाला 65 इंच टीवी लेते हैं उसका पैनल काफी कमाल का होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द 3rd टीवी ऑफ अवर लिस्ट, जो कि है मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला का 65 इंच अल्ट्रा HD 4K LED टीवी, जिसके साथ हमें वायरलेस गेमिंग पैड भी अवेलेबल मिलेगा। इसका भी आप मॉडल नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस टीवी के प्राइस रेंज को लेकर, तो इस टीवी का प्राइस है 65,000 रुपीज, एंड इसमें सभी स्मार्ट टीवी एप्स जैसा कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon प्राइम सभी प्रीलोडेड मिलेंगी एंड सभी सपोर्ट करेंगी। इसकी भी रेजोल्यूशन है 3840x2160 पिक्सल्स की 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें हमें गूगल असिस्टेंट की भी ऑप्शन दी गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो ऑप्शंस ऑफ दिस टीवी। इसमें हमें डॉल्बी विजन, HDR10, ऑटो ट्यून, X डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों की सपोर्ट दी गई है बेटर पिक्चर क्वालिटी के लिए। वहीं बात की जाए इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस की तो इसमें हमें 3 HDMI की पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, वाईफाई एंड ब्लूटूथ सभी कुछ अवेलेबल है। इसकी साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, जैसा कि इसमें हमें 30 वैट्स के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं डॉल्बी ऑडियो एंड DTS ट्रू साउंड सराउंड सिस्टम के साथ। वहीं बात की जाए इस टीवी के कुछ एडिशनल फीचर्स को लेकर, तो इस टीवी में हमें ब्लूटूथ की गेमिंग कंट्रोलर साथ में देखने को मिलती है, MEMC, HDR10, 10 बिट कलर डेप्थ,
4K अपस्केलर, इन सभी चीजों के साथ। और तो और इसमें हमें DTS True साउंड सराउंड सिस्टम और GPU भी साथ में दिया गया है। इस टीवी की रैम एंड स्टोरेज कैपेसिटी दोनों ही काफी अच्छी हैं। जैसा कि इसमें हमें 2.25 GB की रैम सपोर्ट देखने को मिलती है 16 GB की स्टोरेज मेमोरी के साथ, और इसमें हमें क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा माली के GPU के साथ। इस टीवी का थर्ड नंबर पर होने का एक सबसे बड़ा रीजन है इसका प्राइस। सिर्फ एक गेमिंग कंट्रोल एक्स्ट्रा देकर बाकी सभी टीवी के सेम ऑप्शंस देने के बाद हमें 5,000 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे सिर्फ मोटोरोला के टीवी लेने के लिए। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर टीवी की, जो कि है व्यू का। व्यू का 65 इंच प्रीमियम टीवी 65OA। बात की जाए इसकी प्राइस रेंज की तो इसकी प्राइस है 60,000 रुपीज। इसमें हमें 3840x2160 देखने को मिलते हैं 4K रेजोल्यूशन के साथ। साथ ही में हमें एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है बिल्ट इन क्रोमकास्ट एंड गूगल असिस्टेंट के साथ। उसी के साथ हमें 60Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। वहीं बात की जाए इस टीवी के कुछ वीडियो फीचर्स को लेकर, तो इसमें हमें डॉल्बी विजन HDR10 4X अपस्केलिंग की भी टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि पिक्चर क्वालिटी को और भी बेहतर बना देती है। इसकी साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, जैसा कि इसमें हमें 30 वैट्स के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं डॉल्बी ऑडियो एंड टोटल सराउंड सिस्टम के साथ। इसमें हमें 3 HDMI की पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, वाईफाई एंड ब्लूटूथ सभी कुछ देखने को मिलता है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर होने के साथ हमें इसमें माली का GPU, 1.7 GB की रैम के साथ हमें 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मेमोरी भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये टीवी है 2019 मॉडल का और इसमें हमें कंपनी की तरफ से नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम ऑफिशियली नहीं दी जाती। लेकिन इसमें बाकी स्मार्ट टीवी एप्लीकेशन सभी चलती हैं, जैसा कि YouTube, Hotstar एक्सेट्रा। लेकिन पिक्चर क्वालिटी को और भी बेहतर बनाने के लिए इस टीवी में हमें विविड कलर, वीडियो डिजिटल नॉइस रिडक्शन एंड स्मूथ मोशन की भी ऑप्शन दी गई है। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 टीवी की, जो कि है मी टीवी 4X 65 इंच अल्ट्रा HD 4K टीवी। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज की, जो कि है 55,000 रुपीज, जो कि एक बिल्कुल परफेक्ट प्राइस है सभी फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करें सपोर्टेड एप्लीकेशंस की, तो इसमें सभी एप्लीकेशन सपोर्ट करती हैं, जैसा कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार एंड यूट्यूब। इसमें भी हमें एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा गूगल असिस्टेंट एंड बिल्ट इन क्रोमकास्ट के साथ। वहीं बात की जाए इसकी रेजोल्यूशन की, तो इसमें हमें 3840x2160 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। इसमें हमें 20 वैट्स के स्पीकर्स देखने को मिलेंगे 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और इसका पैचवॉल 3.0 का एक्सपीरियंस और भी बेहतर बना देता है टीवी को। वहीं इस टीवी की कनेक्टिविटी ऑप्शंस को लेकर बात करें, तो इसमें हमें बिल्ट इन वाईफाई, ब्लूटूथ, 3 HDMI, 3 USB और 1 ईथरनेट की पोर्ट भी अवेलेबल मिलती है। इसमें हमें डिजिटल नॉइस फिल्टर की भी ऑप्शन दी गई है, जिससे पिक्चर क्वालिटी और भी बेहतर हो जाती है। इसमें हमें 2 GB की रैम एंड 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मेमोरी देखने को मिलेगी। इसमें हमें डिफरेंट साउंड मोड्स भी दिए गए हैं, जैसा कि स्टैंडर्ड, न्यूज, मूवीज, गेम्स एंड कस्टम। साथ ही में डॉल्बी प्लस DTS HD साउंड भी दी गई है। इस टीवी के नंबर 1 पर होने के काफी सारे रीजंस हैं, जैसा कि इस टीवी का कस्टमर रिस्पांस, जो कि मी टीवी के 65 इंच वेरिएंट का काफी अच्छा है। एंड गाइस, अगर आप इसी टाइम पे अपना टीवी लेना चाहते हैं तो आप मी टीवी 4X के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ देर और वेट कर सकते हैं तो रियलमी के टीवी जल्द ही मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं और मी टीवी की 5 सीरीज भी आने वाली है। उन दोनों के मार्केट में लॉन्च होने के बाद ये मार्केट पूरी तरह से बदल जाएगी। पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन सभी चीजों को लेकर और भी बेहतर होने वाले हैं, और ये लॉन्च होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव प्राइसेस के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।